हेलो दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार गुप्ता। आप देख रहे हैं मेरे चैनल को, जिसका नाम है रेगुलर क्लासेस फॉर अकाउंट। और इस सामने देख रहे हैं कॉस्ट अकाउंट की बुक स्वाति प्रकाशन से। और कॉस्ट कौन सा चल रहा चैप्टर? ये प्रोसेस कॉस्टिंग का चैप्टर चल रहा है, और इसका क्वेश्चन नंबर 22 चलेगा। भाई देखो, पढ़ना जरा जल्दी से। हाँ पढ़ो। हाँ 22 पढ़ो। डायरेक्ट मटेरियल दे रखा है, डायरेक्ट वेजेस दे रखा है, द फैक्ट्री ओवरहेड इन प्रोसेसिंग ऑफ श्योर्ड एट द रेट 100% ऑफ द डायरेक्ट मटेरियल्स, नॉर्मल वेस्टेज 20%, द स्क्रैप वैल्यू इज 5 पर यूनिट। प्रिपेयर द लास्ट प्रिपेयर अकाउंट, सॉरी लास्ट प्रोसेस अकाउंट, नॉर्मल वेस्टेज, अब नॉर्मल इफेक्टिव मतलब गेन अकाउंट है ना। तो क्वेश्चन सेम वैसे ही एक के जैसा है, लेकिन अच्छा है, बढ़िया है, करने लायक है, ध्यान से देखना। तो चलते से कराते हैं, ठीक है। तो ये लास्ट प्रोसेस अकाउंट बनाना था, हमने पहले लिख रखा है लास्ट प्रोसेस, ठीक है। और इसमें ट्रांसफर एट कॉस्ट फ्रॉम फर्स्ट प्रोसेस से जो ट्रांसफर हुआ है वो लिखेंगे हम यहाँ पे, टू प्रोसेस फर्स्ट अकाउंट, या फिर वैसे स्पेलिंग के साथ लिख सकते हो आप। कितनी यूनिट ट्रांसफर हुई है? 5,000। और कितने रुपए की है? 12,000 की, ठीक है। और ये जो ट्रांसफर टू फिनिश स्टॉक बोला है वो तो लास्ट में कंपेयर करने काम आएगा। और फिर लिखा है डायरेक्ट मटेरियल, तो हम उसे लिखते हैं डायरेक्ट मटेरियल कितना है? 4,000। फिर दे रखा है इसमें डायरेक्ट मटेरियल 5,000। वेजेस कितनी है? वेजेस 3,000, ठीक है। फिर इसमें दे रखा है फैक्ट्री वेज, फैक्ट्री ओवरहेड, टू फैक्ट्री ओवरहेड कितना है? मटेरियल का पूरा 100%। 100% तो मटेरियल नहीं, सॉरी मटेरियल का बोला इसने या फिर वेजेस का बोला? हाँ, तो पिछले क्वेश्चन में जो वजह था बोला था वेजेस का बोला था 100%, अब बोला है मटेरियल का, तो मटेरियल है 4,000। तो इस बात का ध्यान रखना किस चीज का 100% बोला है। तो 4 का 4 पूरा ही आ जाएगा सॉल्व करके। तो कई बच्चे इसमें 3,000 रुपये कर बैठेंगे गलती से, तो फिर वो गलत ही हो जाएगा, जैसे हम अभी करने वाले थे, हमने पढ़ा नहीं था, ठीक है। तो 5,000 और ये कितना हो जाएगा? 12, 16, 19, 4, 23। 23,000, हाँ जी। तो 23,000 इधर भी लिखेंगे और 5,000 इधर लिखेंगे। कितना परसेंट वेस्टेज हो रहा है? नॉर्मल बाय नॉर्मल 20% वेस्टेज, 20%। 5,000 का 20% कितना होता है? 1,000। और 1,000 को सेल करना हो तो 5 के रेट से बोला कितना? बोला 5,000 आ जाएगा बाय नॉर्मल कॉस्ट ऑफ नॉर्मल आउटपुट सीडी, है ना। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 4,000, ये आ जाएगा तुम्हारा 18,000, है ना। कोई दिक्कत तो नहीं? यहां लिखेंगे नॉर्मल कॉस्ट ऑफ नॉर्मल आउटपुट बीडी, और ये 4,000 और ये 18,000, है ना। कंपैरिजन की तरफ चलेंगे तो देखेंगे यहाँ पे 5,000 इनपुट हुआ, वेस्ट हो गया नॉर्मल 1,000, 4,000 का आउटपुट होना चाहिए था, लेकिन आउटपुट कितना हुआ? 4,200, मतलब उम्मीद से तो ज़्यादा ही हो गया, गेन हो गया। तो यहाँ पे 200 यूनिट का एबनॉर्मल गेन, अचानक से होना एबनॉर्मल गेन, और गेन हमारा इधर आता है टू एबनॉर्मल गेन 200 यूनिट हुई है। अमाउंट कैसे निकाले? 18,000 अपॉन 4,000 इंटू 200। 18,000, हाँ, अपॉन 4,000 इंटू 200 कितना आ रहा है? 400 बताएंगे भाई, 900 तो नहीं आएगा? 900 आ रहा है। 200 ठीक है, ये हो गया 4,200, ये हो गया 18,900, 4,200, 18,900। तो इसे हम ट्रांसफर करेंगे बाय फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट, है ना। तो 4,200 और 18,900, बताओ कोई दिक्कत तो नहीं?
ठीक, इतना हमने कर दिया। ठीक, और कॉस्ट पर यूनिट निकालनी हो तो हम निकाल सकते हैं यहाँ पे कॉस्ट डिवाइडेड बाय 18,900 डिवाइडेड बाय 42, 18,900 और 4200। ठीक है, कितना आएगा? 900 ही आएगा, 4,500 तो नहीं आ रहा। 4.5। हाँ, 4.5। ठीक है, अब तुम देखो यहाँ पे नॉर्मल वेस्टेज बनाना इम्पोर्टेंट क्यों होता है। हमारा नॉर्मल वेस्टेज कितना हुआ? 1000। ठीक है, ये हम कहते हैं होता ही होता है, इतना तो हम क्या कर सकते हैं। लेकिन इसके आगे हम सोचते हैं कोई एबनॉर्मल ना हो जाए, लेकिन हुआ क्या, एबनॉर्मल गेन हो गया। 1000 का वेस्टेज हुआ और गेन कितना हो गया? 200 यूनिट का। अब नेट कितना बचा जो हम बेचने लायक हमारे पास? वो है 800। तो हम पहले तो ये देखें कि नॉर्मल वेस्टेज के नाम से यहाँ पे लिखा है बाय में, तो 2 में ट्रांसफर कर देंगे 1000 यूनिट 5000 रुपए की। और जब ये 1000 तो अभी मैं यहाँ लिखूंगा नहीं, मैं यहाँ पे एक और नाम लिखूंगा कि भाई हमारा गेन कितना हुआ था, गेन बाय 200। हाँ, तो उसे एबनॉर्मल गेन लिखूंगा भाई, वो 200 का हुआ। अब 1000 में से 200 गई तो कितने हुए? 800। बेचने का तरीका 5 रुपए है तो कितना हुआ? 8, 13। नहीं, मल्टीप्लाई करना था तो 4000 आ गया। कितना आ गया? 800 × 5 के तो 4000 आ गया। अब बैलेंस कितना बचेगा? 1000 यहाँ पे लिखेंगे टोटल और 5000 यहाँ लिखेंगे, 1000 यहाँ पे और 5000 यहाँ पे, तो माइनस करके जो बचेगा हमारे पास, ये 200 था और यहाँ कितना? 1000। कोई दिक्कत तो नहीं। एबनॉर्मल गेन कहाँ लिखा है? 2 में, तो कहाँ जाएगा? बाय में। बाय क्या नाम था? लास्ट प्रोसेस अकाउंट। यहाँ से बाय से स्टार्टिंग हुई, 200 यूनिट और 900 रुपए का रेट था, कॉस्टिंग थी उसकी है। अगर बेचने जाएंगे तो टू कैश लिखना पड़ेगा, और कैश के पहले एक चीज़ और लिखनी पड़ेगी कि एबनॉर्मल गेन यहाँ पे लिखा हुआ है, कहाँ लिखा है? बाय में। हम एबनॉर्मल गेन का अकाउंट बना रहे हैं, बना रहे नहीं बना रहे, तो वो चीज़ तो वो चीज़ बाय से कहाँ जाएगी और किस नाम से आएगी? नॉर्मल वेस्टेज। हाँ जी, नॉर्मल वेस्टेज के नाम से। और कितना आएगा? 200 यूनिट और कितने वैल्यू की? 2000। और जो बैलेंस बचेगा उसे ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ये ज़्यादा है ना, 200 1000, तो 200 200 तो चलो सेम होगी। 1000 में से गए 900, तो कितने बचेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से कितना आ जाएगा इसमें? 100 यूनिट, इसमें 100 रुपीज़ आ जाएंगे, और जो कि ट्रांसफ़र हो जाएगी कहाँ पे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। ठीक है, हो गया इतना सा, और एक तरह से लॉस ही है हमारा ये, क्योंकि ये चीज़ एक चीज़ होता है लॉस है प्रॉफिट है कैसे पता चलेगा? बच्चों को बहुत दिक्कत आती है कि मैंने बाय में प्रॉफिट लॉस लिख दिया, तो ये अगर बाय में है तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में कहाँ जाएगा? 2 साइड में लॉस ही तो है, तो लॉस ही हुआ। क्योंकि जब अगर हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाएंगे इस तरीके से छोटा सा, तो ये प्रॉफिट लॉस बना रहे हैं तो ये बाय में आइटम है, तो कहाँ जाएगा? 2 में। किस नाम से? हाँ, वो तो लॉस ही कहलाएगा, क्योंकि प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में जो आता है सब लॉस आता है। ठीक है, इस तरीके से हमें क्लियर हो जाएगा कि लॉस है प्रॉफिट है, तो इसे नोट डाउन कर लो। तो बस ध्यान रखना, जब एबनॉर्मल गेन होता है तो हमें वहाँ सोच समझ के लिखना पड़ता है हिसाब किताब। अगर हम इसको ध्यान नहीं देंगे उसको लिख देंगे ना, तो फिर यहाँ पे कम ही पड़ जाएगी शॉर्टफॉल ऑफ सेल की। तो 2200 क्वेश्चन हो गया है, उम्मीद करता हूँ दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो जूम कर देते हैं थोड़ा सा। हाँ, अब दिख रहा होगा 1.1x। ठीक है, तो वीडियो शेयर करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और ये बंद कर दे, बंद कर, बंद कर, बंद कर, कॉपीराइट आएगा, समझा कर बात को, है ना? अभी नहीं कर रहा। ठीक है, तो अपने कॉलेज के फ्रेंड्स के साथ शेयर करना जल्दी जल्दी, 10,000 सब्सक्राइब पूरे कराने हैं इस चैनल के, और जो कि मैं चाहता हूँ नए साल से पहले पहले हो जाए। ठीक है, तो ये खुशी नए साल में हमें मिले 10,000 सब्सक्राइबर की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो जय हिंद जय भारत, खुश रहिए, खुशहाल रहिए, दिल्ली रहिए, गाजियाबाद रहिए।